बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर के आईजी का पुलिसकर्मियों के लिए आदेश। अपराधियों के घर ना जाएं पुलिसकर्मी, अपराधियों के साथ फोटो ना खिंचवाएं पुलिसकर्मी। कानपुर में विकास दुबे मामले के बाद कानपुर के आईजी का ये आदेश, जिसमें पुलिसकर्मियों को यह आदेश दिया गया है कि वो अपराधियों के घर ना जाएं पुलिसकर्मी और साथ ही किसी अपराधी के साथ कोई फोटो भी ना खिंचवाएं। हमारे साथ लोमस झा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। लोमस, पूरी खबर बताएं, क्या है ये पूरा आदेश? देखिए, आप सभी ने बिकरू कांड देखा और बिकरू कांड के बाद सभी को मालूम है कि किस तरीके से पुलिस को लेकर के काफी किरकिरी हुई, काफी सवाल उठाए गए और साफ तौर पर ये भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो भी ऑडियो वायरल हो रहे हैं वो पुलिस के कार्यशैली को लेकर के कई सवाल यहाँ पे उठा रहे हैं। और उसके बाद इस तरह का आईजी के द्वारा सर्कुलर जारी करना, तो कहीं ना कहीं एक और सवाल, नया सवाल एक उठ खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस वाले हैं वो अपराधियों के घर जाते हैं और अपराधियों के साथ फोटो खिंचाते हैं। अब इस तरह का सर्कुलर जारी किया गया है आईजी के साथ। आईजी ने पूरी तरीके से एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी अपराधी के घर ना जाए और ना ही किसी के साथ, ऐसे अपराधी के साथ फोटो खिंचाए जो कि काफी विवाद में फंसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पुलिस की कार्यशैली पे लगातार पहले से ही सवाल उठते थे, लेकिन इस तरह की जब सर्कुलर जारी की जाती है तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि पहले से जो अधिकारी हैं उनको मालूम होता है कि हमारे जो कर्मी हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं, लेकिन उस पर अंकुश उनके द्वारा नहीं लगाया जाता है। लेकिन अब जब सर्कुलर जारी कर दिया गया है, अब देखने वाली बात होगी क्या कानपुर पुलिस में कुछ बदलाव आते हैं या फिर कानपुर पुलिस में और बदलाव की जरूरत है। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका लोमस झा इस खबर पर ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की नक्शेबाजी साजिश। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।